people, welcome back to our channel. You're here with me, Sarit and Stevie K. Okay, today guys, we're watching A Slay Point and it is the end of Indian street food. Yeah, it's one of their latest guys. We haven't done one for ages. Street food, don't say that. Yeah, she was like talking about that. And the thing is, it's been ages since we've done any sort of Indian street food or Indian food, It's been ages since you've taken me to any food place. So basically, this will cover the Indian food. Hopefully, and but it's Slay Point, so it probably won't go that way, it'll probably go in a total different way. But also, you know, we haven't done one for ages, so this will be good. This is more or less also the kind of time that we can easily deal with, 15-16 minutes kind of thing. Yeah, and that's why we love BBQ Vines, he does 14 to 15 to 16 minutes. You know, anything above that is sometimes difficult. If you haven't seen the original video, like I always say, पहले जाके स्लाइड पर अपने चैनल पर जाके ओरिजिनल वीडियो देखियो तो यू नो लाइक शेयर सब्सक्राइब इफ यू हैवन्ट डन सो ऑलरेडी गिव इट अ व्यू फिर बाद विच साडे नाल आन के देखियो यू नो ऑनेस्टली दे पुट ऑल द वर्क इनटू इट यू नहीं साडे नाल देखनी तो फिर इत्थे तुसीं की लड्डू लेना आए आई डिडंट से इट ऑन द लास्ट वीडियो एंड पीपल लाइक गोइंग व्हाई डिडंट यू लाइक व्हाई डिडंट यू कैरी ऑन बट या ऑनेस्टली गो एंड सी दैट एंड देन नाउ वी आर गोइंग टू चेक इट आउट बिकॉज़ इट हैज बीन अ व्हाइल सो लेट्स एंजॉय दिस मुश्किल है इंटरनेट पे वीडियोस बनाना आपको खुद जाके कुछ करना पड़ता है इन सब बातों को ना झूठ वहम और गलत फहमी प्रूफ करने के लिए आ गए फूड ब्लॉगर्स चलिए आपको दिखाते हैं आप ये सब खाते हैं हाँ रोज तो फूड ब्लॉगर तो आप बन ही गए देखिए अरे सूखी पूरी तो लेने दे अरे सूखी चल मैं यहाँ काम मिल गया अब से कैमरे के बिना एक बाइट ही नहीं जाना चाहिए तेरे मुँह के ताकि फूड ब्लॉगर्स ऑफेंड ना हो जाए ढेर सारा ये सीक्रेट मसाला है सर का ये नाम नहीं बता पाएंगे विद कमेंट्री जिसकी सीडी डीजे ने एक ही जगह अटका दी है ये देखिए भाई ये डल गए यहाँ पे टमाटर ये देखिए भाई ये देखिए इनको लगता है हम कहीं और ही मुंह करके वीडियो चला दे ये देखिए भाई यहाँ देखना वहाँ ढूंढ रहा हूँ यार ये देखिए भाई देख ही रहा हूँ लड़कियों से ज्यादा तुझे ही देख रहा हूँ आजकल 70 मिलियन व्यूज आ गए फिर भी देखिए बोलेंगे देखो फिर सामने के हर नजारे को मुंह से सबटाइटल देंगे पहले तबे पे लग चुका है यहाँ पे ये दूसरा डोसा लगने जा रहे हैं यहाँ पे तीसरा डोसा गिनती आती है और ये देखिए ये लगने जा रहा है पांचवा डोसा चूल्हा नीचे जल रहा है पर पक ये लोग जाते होंगे मैं होता तो पहली ब्रेड लगने जा रही है हमारी पहली ब्रेड देखिए गाइस ये देखिए दूसरी ब्रेड लगने जा रही है दूसरी ब्रेड लग ही चुकी है और गाइस तीसरी ब्रेड लगने जा रही है जबरदस्ती का केबीसी खेल के तो भैया पहले क्या लगाया जा रहा है भैया ये क्या लगाया गया और ये क्या डाल रहे हो भैया क्या डाल भैया ये क्या चीज है भैया सर एक ग्रीन चटनी सर ग्रीन चटनी नहीं श्रेक का दूध है ये के पूछ रहा होगा भाई भैया ये क्या है और ये क्या है एक नीचे है और ये क्या है कोलेस्ट्रॉल बन के वही बसता है ना आधा किलो अमूल बटर वाला देसी ऑमलेट ये देखिए भाई साहब ये पूरी टिक्की जाएगी ऐसे तवे के ऊपर जिससे आपकी भी आत्मा जाएगी ऐसे भगवान के पास कुछ बनाने तो दे बटर के लिए इतना ये देखिए भाई साहब गंदे वीडियोस नहीं अमूल बटर हॉट सिजलिंग एचडी क्लिप सर्च करते हैं नो नट नवंबर अमूल बटर ने खराब किया लग रहा है गजब चीज है यार बता दो अरे भाई साहब यही तो हम चाह रहे थे उसकी हर बेवकूफी पे दिल आता है
जब ठेले वाला आपका क्रश हो। यही तो हम चाह रहे थे। कुछ भी चाहता है, यही तो हम चाह रहे थे। चाहता मैं भी हूँ कि मैं सड़क पे नंगा जुगनू चैलेंज पर नहीं कर सकते ना यार। ये नीचे से आग पहली बार आग देखा घर में पत्थर गजब को हाइट कर दे। भी कर लेते हैं। इसके बाद स्ट्रीट फूड वालों को पता चल गया कि बटर डालो तो भाव मिलता है। तो भाई अब दो डब्बा बटर डाल के दाल आपके नल से बटर बहता है। अमूल आपके चाचा की है बटर वाली चाय। नेक्स्ट जनरेशन चीज भी ग्रेट हो रहा होगा चाय पे। पान पराग चाय आएगी। आइडिया मत दे यार। हाँ ये बना भी देंगे यार पागल लोग। बटर डालते हो आप? हाँ बटर डालते हो? हाँ तो ही रिकॉर्ड करेंगे वरना उस ठेले पे जा वो नहाता भी बटर की टिकिया से। बटर से इनका रिश्ता पूरा हुआ नहीं कि एक और बंदी पटा ली चीज। बड़ा पाव पे नहीं यार नर्क में जाओगे। अरे रोहित शर्मा बल्ले से मारेगा। नहीं नर्क में जाओगे। अच्छी मौत वाली आवाज चूके हमारे दिल को दस बजे से एंड ऑफ स्ट्रीट फूड से ढूंढो जस्ट रिकॉर्ड ये बड़ा पाव के ना जिसका खाने को आपको नहीं आएगा। फूड ब्लॉगर आप तो टिंडर पे भी प्रेफरेंस डालते हो। वांट गर्ल विद चीज। अपना दिल खोल के चीज डालेंगे ताकि तुम्हारा दिल बंद हो जाए। अब अपने खाने की दुकान पे फूड ब्लॉगर को बुलाना है तो या तो ब्रह्मांड का सारा चीज बटर खाने में डाल दो या असली खाना छोड़ के दुनिया के सारे कांड कर दो। ये पहुंच जाएंगे बढ़ावा देने। 440 वोट झटके वाली भेल। ये मंगवाई कहां से आप? और ये किसमें बारी? ये सब भाई विदेश से आती है, अलग अलग जगह से आती है। कोई फ्रांस से आती है, कोई यूरोप से आती है, कोई इटली से आती है। और पता कितना लग रहा है कोक से आती है। पता कितना लग रहा है केला कितना है? यूरोप से आती है, कोई इटली से आती है। आती है बोल रहे हैं जैसे खुद फ्लाइट बुक करके आती है मिर्ची। एयरपोर्ट से रिक्शा पकड़ के आती है या भेल में गिरने? और आ गई इटली से आई इस बार फ्रांस से। अरे मतलब बराक ओबामा जी को भी बहुत पसंद है। जब भी आते हैं इंडिया में से पुड़िया बंधुआ के ले जाते हैं। बराक ओबामा जी को भी बहुत पसंद है। जब भी आते हैं इंडिया में से पुड़िया बंधुआ के ले जाते हैं। इमेजिन बराक ओबामा और उनके हाथ में मसाले की पुड़िया ऐसे लेके जा रहे अमेरिका वापस। ये सिक्योरिटी? अरे ना भाई, ट्रक भर के मसालों की पुड़िया ले जा रहे थे। वहाँ व्हाइट हाउस में मसाले दही बड़े पे छिड़क के खाते थे ओबामा। ये किम जोंग है ना भैया, साउथ कोरिया के अपने, ये उनके फेवरेट चने भैया, इसी से उनका दिमाग इतना तेज चलता है। किम जोंग भाई वो चने भी मिसाइल से फोड़ कर फ्राई करते हैं। आपका दिमाग तेज चल रहा है। बिल्कुल सर्टिफिकेट करेंगे कि आप एक मिर्ची महाराजा हैं। ये सर्टिफिकेट मिलेगा ऐसा आपको। मेरा बेटा ना ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है। मेरा बेटा भेल खा चुका है सर्टिफिकेट लिए। वाली मुझे रिलायंस की कुर्सी ना दे दे ये भेल सर्टिफिकेट देख के। या तो मुंह से कांड कर लो या प्राइस ऐसा डालो जिससे ब्लॉगर्स को मस्त टाइटल मिल जाए। 2100 का शादी वाला पान जो आयरॉनिकली शुरू होता है चूना लगाने से। भाई शादी हमारी हो रही है पान की, मंडप पे तो उसी को बिठाए। क्या 51,000 रुपए पान भी होते हैं और शुरुआत कितने की हो जाती है? 5100 से लेके 51,000 रुपए तक के पान। 51,000 का पान। हाँ फिलिंग में आईफोन 10 आता है पेट्रोल मार के और पत्ते को टॉम क्रूज चाट के देता है। ये कैमरा देखते ही कुछ भी फेंक देते हैं फूड ब्लॉगर्स का काटने के लिए। हमने सुना है भैया बॉम्बे से मैगी का कोर्स करके आए। क्या ये बात सच है? मैगी का कोर्स करके आए। बड़ा डिटेल्ड कोर्स है भाई। सेमेस्टर तो लगा होगा मिनिमम। भाई नोट्स वोट दे देना मेरे को। गजब चीज है यार ये। एक अंकल ने तो पूरी परफॉर्मेंस तैयार की है फूड ब्लॉगर को अट्रैक्ट करने के लिए। आई लाइक दिस बॉय यार। सडनली विकेट कीपर क्यों बन गए? खिला के नहला दिया, जब आग पेट में तो मुंह पे पानी डाल रहे हैं। ऊपर 20वें माले पे आग लगी है, मैं बचाऊंगा। बड़ा ही नहीं है, चिप्स है।
दो लचियां ओरियो के पकोड़े और ये गई अपनी ओरियो कुकीज बेसन के बैटर में ओरियो कुकीज अब ये देखिए बेसन लपेटा गया इसके चारों तरफ मैं कैडबरी इमेजिन के चॉकलेट के तालाब में कूद के मर गए गए ये देखिए बेसन लपेटा गया इसके चारों तरफ फॉरगेट दैट कढ़ाई में दिमाग तल गया है मेरा ये पकोड़े खाने सजना पकोड़े खाओ पकोड़े के अंदर ओरियो है इस घिनौने क्राइम को सिर्फ गजनी भुला सकता है ऐसा नहीं कि अब से हो रहा है रिसेंटली है भाई ने बताया कि 15-20 साल से लोग यहाँ पे ओरियो का पकोड़े खा रहे हैं और बच्चों के फेवरेट है ये 15-20 साल से तब ओरियो इंडिया में था भी नहीं सो ट्रू बाबा पुड़िया के बदले इन्हें ओरियो दे जाते थे शायद आई डोंट थिंक ओरियो वाज हियर इन द यूके ये फैंटा ऑमलेट पकोड़ा अजीब लगा भाई 40-50 किलो की डिश ना हो प्लेट में तो तुमने खाया ही क्या बाहुबली सैंडविच सर ये कब से चला रही है शॉप और ये बाहुबली का आपके पास मतलब 94-95 से बाहुबली तो आई भी नहीं हो तो बाहुबली बनाए वो खुद तब मूवी बनाना सीख रहे होंगे आपका सैंडविच खा के आया ना उनको आइडिया सर ये क्या चीज है सर ये क्या चीज है नॉलेजेबल फूड ब्लॉगर्स गाइस सर ये क्या चीज है क्रोकोडाइल के पोते हैं भाई अंदर का जो भी सामान कल बिका नहीं वो आज के सैंडविच में डाल दिया कॉर्न कैप्सिकम पाइनएप्पल जैम शेजवान सॉस चीज हालापेनोस फोडा लोरा और ऊपर से रहेगा पूरा कैबेज इतनी घास हमारे फुटबॉल फील्ड में नहीं है भाई इसका लुक देखिए दोस्तों बाहुबली सैंडविच इसका ऐसा ही नाम नहीं रखा गया बिल्कुल हर एंगल से बाहुबली लग रहा है कतई जुड़वा भाई बना दिए और टटप्पा से पहले मैं इसको मारूंगा कोई पूछेगा भी नहीं क्यों सब शाबाशी देंगे और माले की सैंडविच का सिर्फ छत खा दोस्तों बेस्ट है एक बहुत ही जबरदस्त है जैसा नाम है वैसा ही टेस्ट है जैसा नाम है वैसा ही टेस्ट है भाई तुझे कैसे पता बाहुबली का टेस्ट सैंडविच के अंदर चीज चलो दे दो टकले के ऊपर सॉस अंदर डालना रह गया होगा और चीज भाई रुक जा भाई अरे ये लाइव मॉडर्न फोटिंग चल रही है कोई आवाज क्यों नहीं उठाता हेलो सीरी चीज फोर पे बटन कुछ कोना किधर है ये पैन टाइट हो गई मेरी भाई बटन अंदर डालना होता है बस रख दे और बटर के टोपे पे चोको चिप्स झाड़ू मारो तब जाके ब्रेड तक पहुंचेंगे सैंडविच पहले ही बन गया था उसको सफेद इग्लू में डालने की क्या जरूरत जाना तो मुंबई होता है पर बनाते बनाते पता नहीं कहां काला बकरा पहुंच जाता है यहां भी ऑमलेट बनाया और उस पे पूरी सब्जी मंडी उठा के डाल दी फिर दूध की पिचकारी जो इस फ्रिज से लग रहा है डायरेक्ट भैंस से डाल रहा है भाई दिखाओ पूरा यार अच्छा तंदूरी में हो ये पनीर से लगे और मेरी भूख भी चली गई है थोड़े से अनार अनार से पीनट्स अंगूर चलिए गाइस टेस्टिंग करके बताते हैं ऑमलेट एंचोवी कौन सा ऑमलेट कहां वो बहुत खुदाई करो तो पुरानी सिविलाइजेशन भी मिल जाती थी इतना नीचे है अब ऑमलेट किसी और जमाने में बना था अब तो उसके ऊपर नया संसार हो गया अब तो हो गया यार हो गया फूल पत्तियां जैसे शादी में फेंक सकते हो सात फेरों से ज्यादा चलेगा सामान स्वाहा खुद ही पे डाल लेता हूँ क्या कर लोडेड लग रहा है मेरा कट्टा भी लोडेड है
But oh my god, that was funny. It's funny, but it's put me off like street food. Street food, but I mean, like, you know, when you it's that thing, you know, when you haven't eaten something for ages, regardless of the food, and then for same with Slay Point, like now we haven't watched their video for ages, and watching it now. We laughed all the way through. It was so fun and it was enjoyable. I did really enjoy it. It was like sickening. And the stuff. I'm not being bad. But come on, who actually eats? If I want samosa, I want samosa. I know other people sometimes have different stuff in their samosa. I like to have vegetable samosa. That's what I like. And nothing wrong with people who want, you know, non-veg and whatever. But pakore. Okay, you can get them with the pias, or you can get it without, or you get it with paneer and stuff. But I know what I want with pakora. Like, and it's the same with other stuff. I don't want all these, you know, extra this, that, you know, pineapples on top with mayo, with cheese, with butter, with, you know. Yeah, we've never seen anything like that here. But, like, I was looking forward to when we go to India, we actually have street food. That's really... first of all, the amount of butter that goes in it. I mean, can you just imagine if, like, they do... That's what it tastes like. Butter paata, that's what it tastes like. You know what? I know. But then, all the rest of the stuff... I mean, you already... the only time I have butter, more or less, is saag. Yeah. When the even saag, then, I stop making it with it. Yeah. But it's just nice to have a little bit of butter on top of the saag, and you know, it's lovely. God, I'm just wondering, and you know, with saag and not the butter, can you imagine them not making saag? Saag, ten tikkiyan butter diya, tanale hana itte hana ki peanut bhi settle ho, itte hana cheese bhi pa do, itte mayonnaise, itte sauce bhi, you know. Chal idda karde Oreo bhi set do saag de naal Oreo. Who eat? I want someone to write in the comments if they actually Lay's, crisps, ready salty any flavor. Any of these that we've watched? Because obviously it's in demand, like you were saying. Yeah, we'll go getting there, like in, you know, cheese buddy hai must. It's one of his dad jokes. Tu cheese badi hai mast mast, tu cheese badi hai mast. No, that guys. We'll go any further. Anyway, that was the video, guys. Let us know what else to make. Don't forget to like, share, subscribe, and we'll see you in the next one. Bye. Say, take care of your bye. Oh, hold on, what about the goblin scratching his butt? Okay, so are we back here? No, it's fine.